नमस्कार, मैं हूं आनंद यादव। आनंद दृष्टि में एक बार फिर आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे छात्रों, ये सिंटेक्स का टॉपिक चल रहा है, इसका कई पार्ट अपलोड हो चुका है। वो देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से सभी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। चैनल पे यदि आप नए हों, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी आएगी, उसे ऑल पे करके ऑन करिएगा, जिससे कि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंचे, वीडियो को आसानी से वॉच कर पाओ। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल हैं उन्हीं को आज हम बताने वाले हैं। वैसे तो इस सेंटेंस का टॉपिक बहुत ही लंबा है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी है कोई छूटेगा नहीं, सब आपको हम बता देंगे। दो नंबर का पूछा जाता है और एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा उसका एक्सरसाइज भी कराएंगे। तो चलिए देखिए, जैसे अगर दिया रहेगा मैनी ए या फिर मैनी एन, ठीक है, तो इसके साथ हम सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन, सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब किसका प्रयोग करेंगे, या फिर अगर दिया रहेगा मोर देन, ठीक है, मोर देन यहां पे लिख लीजिए आप वन, मोर देन वन। अगर ये तीनों आपको अगर मिलता है तो इसमें हमेशा कहीं भी अगर ये दिखाई दे, इसके साथ सिंगुलर नाउन का प्रयोग करना और सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग होगा। इसके साथ जो है प्लस में आप सिंगुलर सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। सिंटेक्स हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब पे फोकस करना, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर भी बोला जाता है सिंटेक्स को। तो ये जो है जहां पे मेनी मेनी एन, मोर देन वन, इसके साथ सिंगुलर नाउन या सिंगुलर वर्ब का हम प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए, एक दो एग्जाम्पल देख लीजिए, उसके बाद हम एक्सरसाइज आपको कराएंगे। जैसे अगर दिया रहे मान लीजिए मैनी मैन या बॉय, कुछ भी लिख लीजिए, वाज लिखेंगे और किल्ड, और एक और ले लीजिए इसका मोर देन वन बॉय, मोर देन वन बॉय वाज किल्ड, वाज किल्ड। अब ये तो सेंटेंस आपका सही है, लेकिन गलतियां कहाँ रहेगी? करेक्शन करने के लिए आपको एग्जाम में कैसे देगा, यहीं पे जो मैन है ना, मैन है, इसे प्लूरल में बना देगा, ये दे देगा, आपको कहेगा शुद्ध कीजिए, वाज है इसे वर में दे देगा, ठीक है, यहाँ पे बॉय है इसे बॉयज बना देगा, ठीक है, यहाँ वाज को वर में दे देगा। तो आपको बोलेगा कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी दिए गए सेंटेंस को, वाक्य को शुद्ध कीजिए, तो आपको इसको इसमें चेंज करना होगा। हमेशा मैनी अ के साथ मैन सही है, ये अगर आ जाएगा तो गलत रहेगा, ये आएगा तो गलत रहेगा। वाच सिंगुलर सब नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किए हैं, सिंगुलर यहाँ पे ये नाउन बॉय है इसका प्रयोग हुआ, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ, अगर बॉय जाएगा तो गलत रहेगा, हमेशा ध्यान दीजिए, अगर बॉयज रहेगा तो गलत रहेगा, वर रहेगा तो गलत रहेगा। प्लूरल प्लूरल वर्ब यहाँ प्रयोग नहीं होगा, हमेशा मेनी अ मेनी एन मोर देन वन के साथ सिंगुलर नाउन का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हम करेंगे हमेशा। इसके साथ मैन ये वाज और बॉय ये वाज, ये पहले का सेंटेंस सही था, इसमें अगर गलत होगा तो मैन दे दे मैन दे देगा, वर दे देगा, यहाँ बॉयज कर देगा, यहाँ पे वर कर देगा, यही मिस्टेक करेगा इसमें। चलिए इसी प्रकार से और सेंटेंस आपको हम बताते हैं। यहाँ पे देखिए, ये तो फर्स्ट रूल आपका हो गया, यहाँ पे इसका एग्जांपल देख लीजिए, या तो फिर एक और देख लीजिए इसी में, जैसे एक से अधिक, एक से यानी कई नाउन को एक साथ में करके अगर देगा मोर देन के साथ में, तो हम क्या करेंगे, या मैनी के साथ में, जैसे अगर दिया रहेगा मैनी अ मैन एंड
वुमेन। इसके साथ हम क्या करेंगे, अब यहाँ हम देख रहे हैं ये जो है, एक तो यहाँ मैन सिंगुलर तो लगाए हैं, मैंने ए के साथ सिंगुलर का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो ये मैन और ये वुमेन, ये भी सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे ये जो आइडेंटिफाई है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो अलग अलग नाउंस हैं और दोनों को हम जोड़ रहे हैं, अलग अलग जोड़ रहे हैं, तो इसका ये दो माना जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मैनी अ मैन एंड वुमेन वर स्टैंडिंग देयर, लिख लीजिए स्टैंडिंग देयर। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हुआ। चलिए अब इसी पे हम एग्जांपल आपको हम कराते हैं, चार पांच एग्जांपल लिख लीजिए, अब एग्जाम में कैसे देगा। या एक और रूल लिख लीजिए, तो उसके बाद सब एग्जांपल आपको हम साथ ही में लिखा देते हैं। रूल क्या है, मोर देन से रिलेटेड, जैसे मैंने अभी इसके पहले बताया, मान लीजिए अगर दिया है मोर, पहले था मोर देन वन, इसके साथ सिंगुलर नाउन था और प्लस सिंगुलर वर्ब था, यही था ना। लेकिन अगर इसी में, अगर इसके बीच में यही प्लूरल नाउन दे देगा, प्लूरल नाउन अगर देगा, तो इसके साथ हमेशा आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना होगा। चल देखिए, जैसे मोर दिया है, फिर यहीं पे प्लूरल नाउन अगर दे देगा, मोर के बाद प्लूरल नाउन प्लस उसके बाद देन रहेगा, ठीक है, देन वन। तो हम इसके साथ में क्या लगाएंगे, मोर के बाद यहाँ मान लीजिए प्लस, मोर के बाद प्लूरल नाउन रहेगा, उसके बाद देन वन रहेगा, तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे। अब नाउन का प्रयोग तो हो गया है प्लूरल में, तो यहाँ पे हम वर्ब भी प्लूरल करेंगे, प्लूरल वर्ब इसका प्रयोग होगा हमेशा। चलिए अब एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, या इसका एग्जाम्पल आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मोर बुक्स देन वन, मोर हो गया प्लूरल नाउन, बुक्स हो गया, देन वन हो गया। अब उसके साथ हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे, हैव बीन, हैज नहीं लिखेंगे, हैज लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, हैज बीन ब्रॉट यानी खरीदा, बाई का थर्ड फॉर्म, वी आर ओ यू जी एच टी ब्रॉट। चलिए ये तो अब समझ में आ गया होगा आपको। हम यहाँ जैसे मोर है, यहाँ पे मोर लगा दिया, प्लूरल नाउन है तो हमने प्लूरल नाउन लिख दिया, देन वन है तो देन वन का प्रयोग किया, इसके बाद प्लूरल वर्ब कहा है तो प्लूरल वर्ब का हम प्रयोग किए हैं, उसके बाद ब्रॉट एंड खरीदा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर इसके पहले यहाँ मिस्टेक कर सकता है, या फिर यहाँ पे अगर यहाँ पे हैज बीन अगर होता, तो हैज बीन होता तो ये क्या होता, गलत माना जाता सेंटेंस। चलिए एग्जांपल से देखिए, अब एग्जाम्पल में जैसे एग्जाम में कैसे पूछेगा आपका, एग्जाम में दिया रहे मान लीजिए करेक्ट, यहां पे लिखा रहा है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये आपका एग्जाम में ऐसे लिखा मिलेगा क्वेश्चन। अब इसमें आपको एग्जाम्पल दिया रहेगा, अब हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, बीच बीच में मिस्टेक डालेंगे, गलतियां करेंगे, अब वो अपने दिमाग से आप सोचते रहिए कि कहाँ कहाँ
गलती हो रही, उसके बाद हम पूरा पांचों लिखने के बाद फिर से बताएंगे कहाँ कहाँ मिस्टेक है, क्या सुधार करना है। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी दिए गए वाक्य में, दिए गए वाक्य को सही सही लिखिए, सही कीजिए। तो पहला लिख लीजिए, मोर से रिलेटेड, मोर देन वन। ध्यान दीजिए हम गलती कहाँ कर रहे हैं, मैन वर रिवार्डेड। ये दूसरा लिख लिए, मोर देन वन आवर्स, मोर देन वन, मोर देन वन आवर्स हैव पास्ट, यानी एक से अधिक घंटे बीत गए हैं, इसका मतलब पास्ट। अब तीसरा लिख लीजिए, मैनी से रिलेटेड कुछ लिखिए, वैसे मैनी ए बुक्स हैव बीन, बुक्स आप सोचते रहिए बनाते भी रहिए, ठीक है। मैनी ए बुक्स हैव बीन राइटन, ये हो गया तीसरा, हो गया चौथा लिख लीजिए, इसका एक और लिख लीजिए, मैनी अ सोल्डर्स हैव डेड फॉर द सिक, सिक का मतलब के लिए होता है, यानी किसी चीज़ के लिए, सिक ऑफ दियर कंट्री, यानी अपने देश के लिए ये मर जाते हैं। बहुत सन आगे दिख रहा है, हाँ सिक ऑफ दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, सिक ऑफ दियर कंट्री, दियर कंट्री, चलिए हाँ वहाँ तक दिखाई दे रहा है। अब एक और लिख लीजिए, पांच कर लीजिए पूरा। अब यहाँ लिखिए, मैनी अ बॉय एंड गर्ल वॉच स्टैंडिंग दियर, चलिए ये पांच सेंटेंस हमने लिख लिया है। अब इसमें आपको देखना है कि कहाँ पे मिस्टेक है, ये देखिए। चलिए मोर देन, हमने बताया था मोर देन वन के बाद ये जब आपको दिखाई दे, मोर देन वन देखते ही एग्जाम में आप ये समझ जाना किसके साथ सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे ये क्या है, प्लूरल है, ये आपका गलत है, प्लूरल है इसलिए गलत है, और ये भी क्या है, प्लूरल है इसलिए ये गलत है। तो यहाँ पे सही क्या करना होगा, सेंटेंस क्या कहा है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, करेक्शन करना होगा, करेक्ट करना होगा करेक्ट सेंटेंसेस क्या होंगे आपका। चलिए फर्स्ट नंबर से देखिए, करेक्ट सेंटेंस होगा मोर देन वन, ये मोर देन वन मिला तो इसके साथ हमें माइन लिखना होगा सिंगुलर, उसके बाद वर है इसे हम वाज में लिखेंगे सिंगुलर में, उसके बाद रिवार्डेड, ये आपका कंप्लीट हुआ, सही सेंटेंस ये हुआ। चलिए अब ये देख लीजिए सेकंड, इसमें क्या है, जैसे हमने देखा मोर देन वन है, हमें यहाँ क्या होना चाहिए, नाउन सिंगुलर होना चाहिए, इसलिए गलत है, ये क्या है प्लूरल है इसलिए ये भी गलत है। तो यहाँ पे हमें सही लिखना होगा
मोर देन वन आवर्स, यस लगा है प्लूरल है इसलिए इसे हम आवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हैव है, इसे हम सिंगुलर में लिखेंगे। हैज क्या है, पास्ट। ये आपका कंप्लीट हुआ, दूसरा सेकंड सेंटेंस सही हो गया। अब नंबर थर्ड का है, तीसरे नंबर पे देखिए, तीसरे में मैनी ए है, मैनी ए के साथ ए पढ़िए या अ पढ़िए, कुछ लोग इसे ए पढ़ते हैं कुछ लोग अ पढ़ते हैं, लेकिन शुद्ध अ होता है। मैनी अ बुक्स क्या है, ये बुक्स है ना, मैनी अ या एन के बाद हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। और ये भी, ये क्या है, गलत है, हैव है इसलिए गलत है, ये प्लूरल है, सिंगुलर लिखना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसे मैनी अ बुक, हैव के स्थान पे हम हैज बनाएंगे। एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही लिखना होगा आपको, हैज बीन राइटन, ये आपका सही हुआ सेंटेंस तीसरा नंबर। चलिए अब फोर्थ नंबर पे देखिए, मैनी अ ये शोल्डर्स है, ये क्या है, शोल्डर्स, इसलिए ये गलत है, यस लगा है प्लूरल है। ये हैव भी गलत है, हैज होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे फोर्थ नंबर पे मैनी अ शोल्डर, हैव के स्थान पे हैज लिखेंगे। यहाँ यस हटा दिया, शोल्डर लिख दिया, हैज, हैव के स्थान पे हैज। डिड फॉर द सेक, द सेक ऑफ डियर, हाँ एक चीज़ यहाँ और ध्यान देना, ये भी आपका गलत है। ये क्यों गलत है, जहाँ भी नाउन प्रोनाउन कुछ भी हो सिंगुलर ही होगा। ये डियर प्लूरल के लिए यूज होता है, यहाँ पे हिज का प्रयोग हम करेंगे। सोल तो ऑफ हिज यहाँ भी तीन गलतियाँ हैं इस सेंटेंस में। ऑफ हिज सेंटेंस में गलती होने का चांस जो मिस्टेक करके देगा सेंटेंस, एक यहाँ यहाँ फिर यह प्रोनाउन में दे देगा। हिज कंट्री चलिए ये चार सेंटेंस हो गए, एक अभी और बचा इसे देख लीजिए। अब यहाँ मैंने अ दिया है, लेकिन यहाँ जो है अलग अलग दो नाउन दिया है, इसलिए ये वाज नहीं वर होगा, प्लूरल होगा। ये तो ठीक है, एंड लगा कनेक्टर लगा के अलग कर दिया है, लेकिन यहाँ पे वाज नहीं वर होगा, और ये एक साथ नहीं दे सकता है, कनेक्टर लगाना एंड लगाना जरूरी होगा। चलिए यहाँ पाँचवें में देखिए, मैनी अ बॉय एंड गर्ल, मैनी अ दिखाई दे रहा है, हाँ मैनी अ बॉय एंड गर्ल, गर्ल्स नहीं होगा गर्ल होगा, वाज नहीं वर होगा। यहाँ पे स्टैंडिंग डियर, स्टैंडिंग डियर, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ, शुद्ध हुआ, ये इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब कुछ रूल्स, समय काफ़ी हो गया, 18-20 मिनट हो गया होगा, तो ये नोट कर लीजिए। उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ और, या तो थोड़ा सा और देख लीजिए, एक रूल और देख लीजिए फटाक से। जब भी आपको द प्लस नाउन, द प्लस नाउन के बराबर ये एडजेक्टिव होता है, कुछ नाउन में द लगाया जाता है तो एडजेक्टिव बन जाता है, जैसे द पुअर, द वर्चुअस या द रिच। यानी देखिए, जैसे रिच है, ठीक है, या मान लीजिए
पुअर है, ये इसका मतलब गरीब होता है, ये नाउन है, लेकिन इसके पहले अगर हम द लगा देंगे तो इसका अर्थ बदल जाएगा, इसका मतलब गरीब लोग, ये प्लूरल में आ जाएगा और ये एडजेक्टिव हो जाएगा। जब ये एडजेक्टिव प्लूरल में आ जाएगा तो इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर जैसे रिच है, रिच इसके, ये तो रिच मीन्स धनी होता है, किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए, विशेष व्यक्ति के लिए बात की जा रही है, धनी व्यक्ति, लेकिन इसी के पहले अगर हम द लगा देंगे तो एक समाज सोशल की बात हो जाएगी, धनी लोग यानी बहुत सारे लोगों के बारे में, द रिच धनी लोग, तो यहाँ पे इसके साथ क्या होगा, प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब होगा इसके साथ, ठीक है, इसके साथ भी प्लूरल वर्ब होगा, या फिर वर्चुअस, ऐसे ही दो तीन एग्जाम्पल इसका देख लीजिए। एग्जाम में अगर आपको ऐसे सेंटेंस मिलते हैं तो आप उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करिएगा। चलिए सेंटेंस देख लीजिए, मान लीजिए पहला सेंटेंस है द रिच, अब यहाँ पे हम आर लगाएं या इज लगाएं ये आप डिसाइड कीजिए, द रिच आर इज हैप्पी। चलिए दूसरा देख लीजिए, इसी प्रकार द पुअर आर इज लिखें या फिर आर इज लिखें या फिर आर अनहैप्पी, अन हैप्पी। तीसरा लिख लीजिए द वर्चुअस, वर्चुअस मतलब सदाचारी लोग जो होते हैं, द वर्चुअस आर या इज क्या होगा, आर या इज, इसमें हम लिख लें ब्लेस्ड। चलिए अब ये सेंटेंस देख लीजिए, जैसे हमने बताया ना ये प्लूरल माना जाएगा सब, जब ये प्लूरल माना जाएगा तो ये इसका सही होगा आर, इसमें ये नहीं ये सही होगा आर का, इसमें भी आर का सही होगा इज का नहीं, ये तो आपको एकदम सिंपली आसानी से समझ में आ गया होगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और जितना हो सकेगा अपने सभी फ्रेंड में शेयर करिएगा, शेयर करना तो मत भूलिएगा। चलिए मिलेंगे ऐसे ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।